कोरबा शहर की प्रमुख कॉलोनियों में से एक पंडित रविशंकर शुक्ल नगर कॉलोनी की जर्जर हो चुकी सड़क को लेकर क्षेत्र के लोगों का सब्र अब जवाब दे दिया है। तब उन्होंने चक्का जाम कर अपना विरोध प्रकट किया। महापौर सहित पूरे निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि पिछले लंबे समय से कॉलोनी की सड़क खराब है, लेकिन उसे दुरुस्त करने की दिशा में किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है। बांगो थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बीती रात यह घटना सामने आई जब थाना के पास तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार दो युवकों को ठोकर मार दी। हादसे के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसे पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों युवक कोरबा से बांगो की तरफ जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। पाली थाना क्षेत्र के सिल्ली गांव के समीप सड़क के किनारे मिट्टी लेवल कर रहा रोड रोलर अचानक पलट गया। उसके नीचे आ जाने के कारण ऑपरेटर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। कवर्धा निवासी कन्हैया लाल अग्रवाल द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान यह घटना घटित हुई। मृतक रघु सिंह उम्र 45 वर्ष मूलतः बिहार के रोहतक जिले का मूल निवासी था। कटघोरा वनमंडल के ग्राम सलिहा पहरी में भालू से खुद की जान बचाकर भाग रही महिला पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर गई। इस घटना में महिला को गंभीर चोट लगी है, जिसे उपचार के लिए टोड़ी उपरोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। 32 वर्षीय कृष्णाबाई बिंजवार अपनी पुत्री के साथ महुआ बीनने के लिए जंगल गई हुई थी। इसी दौरान उसका सामना भालू से हो गया। भालू को देखकर मां बेटी भागने लगे, तभी पत्थर से टकराकर कृष्णा गिर गई। घटना में महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी है, जिसे डायल 112 की सहायता से अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। कोरबा शहर के रिश्ते इलाके में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई, जब क्षेत्र में रहने वाले नूतन यादव नामक व्यक्ति के घर में जहरीला सांप प्रवेश कर गया। घर में सांप की मौजूदगी से पूरा परिवार दहशत में आ गया। डरे सहमे लोगों ने सांप के रेस्क्यू के लिए सर्प मित्रों को फोन किया। बिना देर किए सर्प मित्र मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक कोबरा सांप फन फैलाए बैठा हुआ है। सर्प मित्रों ने पूरी सावधानी से सांप का रेस्क्यू किया, फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। सांप के सुरक्षित रेस्क्यू से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में लिप्त एमसीबी जिले के जनकपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अमित दुबे है, जो अस्पताल पारा का निवासी है। मुखबिर के माध्यम से पुलिस को आरोपी के पास नशे का सामान होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने नशीली कफ सिरप के साथ ही टैबलेट की जब्ती बनाई है। मामले में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। गर्मी के परवान चढ़ने के साथ ही पानी के लिए लोगों में हाय तौबा मचनी शुरू हो गई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोगों को पेयजल के साथ ही निस्तारी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जांजगीर जिले के नवागढ़ क्षेत्र में स्थिति काफी गंभीर हो चली है, जहां हैंड पंपों ने पानी उगलना बंद कर दिया है, जिससे आम जनता के कंठ सूखने लगे हैं। चार सूत्रीय मांगों को लेकर सक्ती जिले के जयजयपुर ब्लॉक मुख्यालय में बिहार संयुक्त कैडर संघ छत्तीसगढ़ की महिलाएं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। महिलाएं चाहती हैं कि सरकार उन्हें राहत प्रदान करते हुए मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करे। महिलाएं चाहती हैं कि सरकार उन्हें नियमित करने के साथ ही नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करे, नियमित रूप से वेतन देने के साथ ही प्रत्येक माह वेतन दिया जाए। संघ की महिलाओं ने मांग पूरा होने तक प्रदर्शन करने की बात कही है।